Hey guys, after all, Redmi ने लॉन्च किया Redmi का K30 Pro एंड K30 Pro का Zoom Edition. तो K30 Pro का अंदर आप दो फोन देखने को मिलेगा, नॉर्मल K30 Pro एंड K30 Pro Zoom. बट अगर आप देखेंगे K30 Pro का बेस वेरिएंट जिसका प्राइस 6+128GB है, प्राइस है 2999 yuan. अगर देखा जाए इंडियन प्राइस में 32,000 के आसपास देखने को मिलेगा आपको. तो ये जो फोन है आपको ऑन पेपर तो काफी अच्छा लगेगा, बट अगर पूरा नोटिस करेंगे ये फोन में काफी चीज में आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, नहीं तो लगेगा K20 Pro से डाउनग्रेड. तो बेसिकली ये वीडियो में आपको बोलेंगे ये फोन क्यों ओवर प्राइस है. जब हम लोग K20 Pro की टाइम में बोला था इंडिया एंड चाइना मार्केट में अगर देखा जाए तो काफी अच्छा प्राइस के साथ आया था, उसके साथ वो जो फोन था वन ऑफ द बेस्ट फोन था, बट ये फोन लगता नहीं है इस तरह का कोई कंडीशन में रहेगा. तो चलो वीडियो देखते रहो, क्यों ओवर प्राइस है, कौन सा इसका अल्टरनेटिव आपको देखना चाहिए वो भी जानने को मिल जाएगा. तो अगर आप चैनल में नए हो तो मैं सम्राट अथगर, आपकी वीडियो काफी अच्छा एंड हेल्पफुल होगा. वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो में प्लीज एक लाइक देकर हम लोगों का लाइक टारगेट फिल कीजिएगा, और उसके साथ कुछ भी जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में खुला है, जाइए कमेंट कीजिए. कुछ भी जानना है तो कमेंट का आंसर जरूर मिलेगा. चैनल में नए इस तरह का वीडियो मिलने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन बजा दीजिए. तो सबसे पहले अगर हम लोग ये फोन का सबसे वेरिएंट को बात किया जाए तो K30 Pro का बेस वेरिएंट है 6GB एंड उसके साथ रोम है 128GB. उसके ऊपर में एक वेरिएंट है 8GB प्लस 128GB एंड उसके ऊपर में 8GB प्लस 256GB. सेम टाइम इस तरह से आपको K30 Pro Zoom Edition जो है उधर आपको देखने को मिलेगा 8GB प्लस 128GB एंड उसका ऊपर में और है क्या 8GB प्लस 256GB. तो इस टाइम से अगर आप प्राइस देखोगे, प्राइस वाइज देखा जाए तो सबसे पहला अगर ये फोन का सबसे पहला डिसअपॉइंट वाली चीज़ है, ये फोन जो है फुल व्यू डिस्प्ले के साथ आया, 6.67 इंच का एमोलेड डिस्प्ले, जो काफी एक अच्छा चीज मुझको लगा एज लाइक K20 Pro. बट ये फोन जब हम लोग 30,000 ऊपर में जाकर एक फोन बाय करेंगे तब हम लोगों को इस फोन में 60Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है, जो मुझे सबसे डिसअपॉइंटमेंट चीज लगा. मिनिमम इस फोन में 90Hz का एक डिस्प्ले देना चाहिए था, बट ये चीज इधर आपको कंप्लीटली मिसिंग देखने को मिल जाएगा, जो मुझे काफी खराब लगा. ठीक है, ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक जिसके लिए ये फोन नहीं लेना एक रीजन बन जाता है. नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ये फोन में आपको 865 की तरफ प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो एक बोल सकते काफी पावरफुल प्रोसेसर है एंड वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर अभी की टाइम के अंदर बोल सकते हैं. एंड 865 से अगर गेमिंग की बात किया जाए तो काफी अच्छा तो गेमिंग हो पाएगा, बट ये फोन में अगर आप हाई रिफ्रेश रेट में गेमिंग नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इधर हाई रिफ्रेश रेट का गेमिंग का सपोर्टिंग नहीं देखने को मिल रहा है. नेक्स्ट अगर हम लोग K30 Pro का पीछे को देखेंगे तो पीछे हम लोगों को ग्लास बैक डिजाइन तो देखने को मिल जाएगा एंड कैमरा की जो बम्प है वो आपको काफी हद तक OnePlus 7 सीरीज का कैमरा बम्प की तरह लग सकता है, काफी एक उस तरह का डिजाइन इधर देखने को मिलेगा. पीछे कैमरा की बात किया जाए तो कैमरा जो है थोड़ा अपग्रेड और कुछ कुछ सेक्शन में K20 Pro से डाउनग्रेड किया गया. हम लोग सभी टाइम जानते हैं कोई फोन से और एक फोन में जब अपग्रेड होता है स्मार्टफोन तो उसमें हम लोगों को कैमरा में सब कुछ में अपग्रेडेशन देखने को मिलता है, बट इस टाइम कुछ उल्टा चीज हुआ. इधर जो है प्राइमरी 64 मेगापिक्सल K30 Pro में देखने को मिल जाता है, जो सोनी का IMX 686 है. उसके साथ आपको देखने को मिलता है एक अल्ट्रावाइड लेंस जो है प्रोबेबली 13 मेगापिक्सल का एंड उसके साथ आपको इधर देखने को मिल जाता है एक 5 मेगापिक्सल का सेंसर जो है इधर मैक्रो सेंसर, उसके साथ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग सेंसर. बट इंटरेस्टिंगली देखोगे इधर टेलीफोटो लेंस नहीं है, टेलीफोटो लेंस आपको देखने को मिल जाएगा K30 Pro Zoom Edition में, जिधर आपको जो 5 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर है उधर आपको देखने को मिलेगा 8 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस विद 3x ऑप्टिकल जूम. तो मुझको ये चीज समझ नहीं पा रहा हूँ, जब K20 Pro में हम लोगों को 24,000 रुपीज में आज के दिन में हम लोगों को टेलीफोटो लेंस देखने को मिल रहा है, सेम टाइम ये फोन में क्यों देखने को नहीं मिल रहा है जब इसका प्राइस हम लोगों को 30,000 के ऊपर में देखने को मिल रहा है. ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम लोग हर एक टाइम आज के दिन में आप लोगों को बोलता हूँ 30,000 के ऊपर में जाकर अगर कोई फोन देखते उसमें मस्ट बी हम लोगों को उसमें OIS देखना देना चाहिए मिनिमम 2 कैमरा में, बट आपको K30 Pro में ये चीज देखने को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ एंड सिर्फ आपको देखने को मिलेगा K30 Pro Zoom Edition में, जिधर प्राइमरी कैमरा में भी OIS है उसके साथ टेलीफोटो लेंस में भी OIS है. बट अगर हम प्राइस देखेंगे K30 Pro Zoom Edition का, उसका बेस वेरिएंट का प्राइस ही शुरू हो रहा है आपका 39,999 के आसपास से, मतलब इंडियन प्राइस के मुताबिक आप बोल रहा हूँ, क्योंकि चाइनीज प्राइस अगर देखा जाए तो 8GB प्लस 128GB Zoom Edition का 3,799 yuan बोला जाए तो 3,800 yuan के आसपास देखने को मिल रहा है. तो ऑटोमेटिकली ये इंडिया में जब आएगा 40,000 के आसपास में लॉन्च होगा, बट 40,000 में जाकर अगर देखा जाए तो ये फोन भी अप टू द मार्क नहीं है.
नेक्स्ट है ये फोन में हम लोगों को काफी दिखाया जा रहा है, इधर LPDDR5 रैम है, उसका साथ UFS 3.1 हम लोगों को स्टोरेज देखने को मिलेगा, जिधर भी एक हम लोगों को कैचे है, नहीं तो बोल सकते हो मिसरीडिंग किया गया क्या था Xiaomi की तरफ से, वही तो Redmi की तरफ से। इधर अगर देखोगे मोस्ट इंटरेस्टिंगली इधर का जो बेस वेरियंट है, जो वेरियंट सबसे ज्यादा सेल होता है मार्केट में, K30 Pro का बेस वेरियंट जो है 6GB + 128GB, इधर जो रैम है इधर आपको LPDDR4X रैम देखने को मिलेगा, किसी तरह LPDDR5 नहीं है। एंड उसका साथ साथ इधर आपको देखने को मिलेगा UFS 3.0 का स्टोरेज, UFS 3.1 का भी नहीं है, ये भी एक चीज आप इधर नोटिस कर सकते हो, मिसिंग आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बाकी सब चीज में ऑलमोस्ट दोनों K30 Pro एंड K30 Pro Deluxe जो बोल सकते हो, नहीं तो Zoom Edition, दोनों में ही आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, क्विक चार्ज 33 वाट का एडाप्टर इनबॉक्स दिया जाएगा, 4700mAh के बैटरी देखने को मिल जाएगा, आयर ब्लास्टर, ये हर एक चीज है। तो ये है ओवरऑल स्पेसिफिकेशन। तो ये चीज से आपको क्या लग रहा है, ये फोन जो है अगर देखा जाए तो K20 Pro से थोड़ा सा अपग्रेड है, वो बेसिकली एक ही दो सेक्शन में, एक है प्रोसेसर 865 प्रोसेसर, बट अगर आप नोटिस करेंगे 855 जो है बहुत ही कैपेबल प्रोसेसर है, अगर आप 855 का परफॉर्मेंस देखेंगे मतलब आपको किसी तरह की कभी भी आपको कमियां महसूस नहीं होगा, मतलब इतना ही पावरफुल एक प्रोसेसर है आज के दिन में। अगर देखा जाए तो वो फोन अगर 24,000 में हम लोगों को मिल रहा है, हाँ उधर 48 MP है, बट उधर आपको देखा जाए 855 की तरह प्रोसेसर के साथ 24,000 में जो वैल्यू दे रहा है, अगर हम लोग सेम टाइम अगर K30 Pro का बेस वेरिएंट देखेंगे जो है 6+128GB जो आपको 32,000 में इंडिया में मिनिमम लॉन्च होगा, उससे देखा जाए तो दोनों फोन के अंदर 8,000 रुपीज का हम लोगों को डिफरेंस देखने को मिल रहा है। 8,000 रुपीज मतलब बहुत ही एक ज्यादा डिफरेंस होता है, जिससे हम लोगों को अपग्रेडेशन क्या मिल रहा है, सिर्फ एक ही है 865 प्रोसेसर एंड नेक्स्ट और एक बोल सकते हो 64 MP का एक एक्स्ट्रा सेंसर देखने को मिल रहा है, जब इधर 48 MP देखने को मिला K20 Pro में, बट उसके साथ अगर हम लोग सेम टाइम टेलीफोटो लेंस इधर मिसिंग देखने को मिल रहा है, तो उसके साथ 8,000 रुपीज जब देंगे उधर आपको कैमरा में काफी अच्छा वॉइस होना चाहिए था, बट वो चीज भी इधर हम लोगों को मिसिंग लगा। तो आप लोगों को मैं क्लियरली एक चीज मेंशन कर सकता हूँ, आपको ऑलवेज मैं रिकमेंड करता हूँ आज के दिन में अगर आप 5G फोन देखेंगे, ये हर एक डिवाइस जो है 5G डिवाइस है, K30 Pro में 5G डिवाइस का प्राइस अभी ओवर प्राइस होगा, वो एक नॉर्मल चीज है, तो ये फोन के साथ भी वही केस हुआ, तो हम ऑब्वियसली आपको रिकमेंड करेंगे आप K20 Pro लेने का ही ट्राई कीजिए, क्योंकि वो फोन वन ऑफ द बेस्ट फोन है आज के दिन में, और आपका प्राइस के साथ प्रोडक्ट का जो रेशियो वो भी आपको काफी अच्छा दे देगा। तो ये है कंप्लीट वीडियो, तो आप लोग और भी कुछ जानना है तो नीचे बताओ आपको क्या लग रहा है ये सब फोन के बारे में, वो भी नीचे हम लोगों को मेंशन करो, और अभी तो कोरोना वायरस के लिए कंप्लीट लॉकडाउन है, तो आप लोग भी घर में ही रहिए तो अच्छा है, किसी तरह बाहर में निकले तो वही अच्छा है, क्योंकि हम लोगों को इस कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन के अंदर जा रहा हूँ। और ये वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो में लाइक देकर हम लोग को लाइक टारगेट फिल कीजिए फिल करो, और उसके साथ चैनल में नए पर चैनल सब्सक्राइब करो, तो इस तरह वीडियो का फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। फिर एक नया वीडियो में मुलाकात रहे, तब तक स्टे सेफ, टाटा बाय बाय एंड स्टे सेफ, घर में ही रहिए, किसी तरह घर से बाहर मत जाइए अगर किसी तरह कोई जरूरत नहीं है तो।